अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, प्यारे सब्सक्राइबर, प्यारे व्यूवर, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा सिस्टम सिखाने जा रहा हूं, एक ऐसा तरीका सिखाने जा रहा हूं जो आपकी ज़िंदगी बना देगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूं जहां पर आपने सिर्फ कुछ डिज़ाइन करना है जिसके बदले आपको अर्निंग होगी। मतलब वहां पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि ये कप होते हैं, उसके बाद टी शर्ट होती हैं। तो अभी तो मैंने ये दो प्रोडक्ट ही वहाँ पर देखे हैं, वैसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो जाके हम देखेंगे और उनको डिज़ाइन कैसे करना है, कहाँ से डिज़ाइन लेना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे फिक्स करना है, सब कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। अगर आप एक डिज़ाइन भी यहाँ पर मतलब सेल हो जाता है, आपका एक टी शर्ट भी सेल हो जाती है, तो आपको $2 से $3 की अर्निंग हो जाएगी। ठीक हो गया। और जब आपका बिज़नेस थोड़ा सा चल पड़ेगा तो फिर आपको डेली बेस $100 की अर्निंग भी हो जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन वो बात की बात है, स्टार्टिंग की बात करें तो आपको जो है 2 से 3 महीने कुछ भी अर्न नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका अकाउंट अच्छे तरीके से वहाँ पे ग्रोथ नहीं करेगा, जब तक आप वहाँ पे अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। ठीक है। तो आप वहाँ पर बेहतरीन तरीके से काम करिए, मेहनत करिए, दिल लगा के काम करिए, तो आपको बड़ी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है। कैसे करना है सब कुछ इंशाल्लाह आज की वीडियो में सीखेंगे। आप दोस्तों को डिज़ाइन करना सिखाएंगे, आप दोस्तों को जो है वहाँ पे अपलोड करना सिखाएंगे कि कैसे वहाँ पे अपलोड होता है प्रोडक्ट और क्या क्या सीन है, क्या क्या फंक्शन है। ठीक हो गया। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो शुरू करते हैं। ये काम आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी कर सकते हैं, ये काम आप अपने लैपटॉप पर भी कर सकते हैं, अपने पीसी पर भी कर सकते हैं। जो भी डिवाइस आपके पास मौजूद है आप उस पर ये काम अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आप दोस्तों को तफसील से बताते हैं। अगर किसी पॉइंट किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह अभी तक आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मेरे साथ रहिएगा। जी डियर व्यूअर, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यह काम आप अपने पीसी, लैपटॉप कहीं पर भी कर सकते हैं। आपने गूगल में आना है। ठीक हो गया। गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है TEE और उसके बाद लिखना है PUBLIC की IC। ठीक हो गया। और इसके बाद ये बन जाता है TEE Public, इसको आपने ओके करना है। यही वेबसाइट खोल के आ जाएगी तो इसको आपने ओके करना है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप टी शर्ट डिज़ाइन करके सेल करने के लिए छोड़ सकते हैं। दोस्तों इसका ट्रस्टेड ऑर्डर का भी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और इसमें कितनी ट्रैफिक आती है वो भी बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का आपको मतलब यहाँ पे मिल जाता है सिस्टम, और लोगों ने जो डिज़ाइन किए हुए हैं और उनकी जो प्राइजेज रखी हुई हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे डिज़ाइन हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, आपने भी अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेने हैं। डिज़ाइन कैसे करना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसमें आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों आपने मेन्यू पर क्लिक करना है। मेन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो बटन मिलते हैं, लॉगिन और क्रिएट अकाउंट का। तो आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, मतलब जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद आबिद है, मोहम्मद, और उसके बाद आबिद, यहाँ पर ईमेल आईडी जो भी आपकी हो, और उसके बाद यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, जो भी आपकी कंट्री हो उसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक पासवर्ड डालिएगा, वही पासवर्ड रिपीट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर टिक लगा के जो है आप यहाँ से जो है आप जो है यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये मैं सारी चीज़ें कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और उसके बाद आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि आगे क्या प्रोसेस है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का फंक्शन आएगा और आपसे पूछेगा कि आपके ईमेल पे एक मेल चला गया है, उस मेल को वेरीफाई कर लीजिए। तो हम चलते हैं सीधा अपने ईमेल पे और वहाँ पर ये देखें जी, पब्लिक जो है हमें एक वेरिफिकेशन का सिस्टम मिला हुआ है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ठीक हो गया। पब्लिश आर डिज़ाइन पर, तो मतलब हमारा अकाउंट जो है फिर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेते हैं उसके बाद आपके पास अकाउंट लॉगिन होकर कुछ इस तरीके से आ जाता है। दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन, लेकिन आपने जो है डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है। हम मेन्यू में चलते हैं और यहाँ पर आपको अकाउंट लॉग आउट मिल जाता है और यहाँ से अपलोड आ डिज़ाइन मिल जाता है, अकाउंट की सेटिंग, मैसेज, और ये देखें मे का $10,000 का भी यहाँ पर कोई बाउंड्री या जो भी चीज़ है ये बाद में शेयर करेंगे। पहले हम इसमें जो है मतलब अपने डिज़ाइन शेयर करते हैं। यहाँ पर अपलोड डिज़ाइन पर हम क्लिक करेंगे, ये पहला वाला ऑप्शन जो है, ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की विंडो आएगी। यहां पर वो कहता है कि सिंगल फाइल अपलोड या फिर मल्टीपल, आपके पास सिंगल फाइल आप अपलोड करेंगे या फिर आपके पास बहुत सारे डिजाइन है वो आप सारे करेंगे, लेकिन अभी हम सिंगल फाइल करेंगे। यहां पर हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों वो कहता है कि स्टोर का नाम डालें, जो भी आपके स्टोर का नाम हो। तो मैं अपने स्टोर का नाम आबिद लिख देता हूं। ठीक हो गया।
तो वैसे आप कोई भी डाल सकते हैं। तो मैंने आबिद लिखा, वो कहता है आगे कुछ डालें, तो मैं 44 लिख देता हूँ। तो ये देखें आबिद 44 मेरे स्टोर का नाम, तो मेका पब्लिश यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। टेक टू द मतलब यहाँ पे ये देखें एक आप कहता है आपको कि आप ऐसा करें एक फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड करें। यहाँ पे हम PNG फाइल लेके आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये अपलोड कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर होगी, ये जो भी है मैं इसको चेक कर लेता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर नहीं, आपने यहाँ पर वो डिज़ाइन अपलोड करना है जो कि आप अपनी टी शर्ट पे लगाना चाहेंगे, मतलब जो आप सेल करना जा रहे हैं। तो ये डिज़ाइन आपने लेना कहाँ से है पहले आपको वो बता देता हूँ। आपने आ जाना है सीधा एक वेबसाइट है canva.com, ठीक है, इसमें आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है। बनाए क्या, बने बनाए आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक हो गया, और बैक आने के बाद आप दोस्तों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें टेम्पलेट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टी शर्ट के जिस चीज़ के भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आपको यहां पर बने बनाए डिजाइन तमाम के तमाम मिल जाते हैं। तो आपने खाली इन पे क्लिक करना होता है, ठीक हो गया, और क्लिक करने के बाद जो भी आप चेंजिंग करना चाहें यहां पर कर सकते हैं। यहां पर कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आप यहां पर कुछ भी राइट करना चाहें तो कर सकते हैं, A to Z कुछ भी करना चाहें इस पर क्लिक करें, ठीक हो गया। और यहां पर नीचे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, एडिट वगैरह, कलर वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। इस पर इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो आएगी, बहरहाल आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपने ख्याल करना है, बात कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि दोस्तों वापस हम अगर वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर हमें एक डिज़ाइन देखने को मिलता है और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पर आप जो भी पिक्चर अपलोड करने जा रहे हैं उसका साइज़ जो है 1500x1995 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक हो गया, क्योंकि जो शर्ट तैयार होगी, जो डिज़ाइन अपलोड होगा, जो पिक्चर वहाँ पर अपलोड होगी वो तकरीबन 5000x5500 pixel पर होगी। तो ये चीज़ आपने ख्याल कर लेना है, ठीक हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पिक्चर बना के रखी हुई है और ये साइज़ वगैरह सेट कैसे करना है आपको वो बता देता हूँ। जैसे आप पिक्चर यहाँ पे बना लेंगे, रेडी कर लेंगे, आपको यहाँ पर ऊपर 3 डॉट का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है रीसाइज़ का। यहाँ पर क्लिक करके आप रीसाइज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने पिक्सल सेलेक्ट कर लेने हैं इधर से, ये देखें ये पिक्सल PX मतलब, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने 1556x2000 में किया है और जैसे आप ये कर लेते हैं उसके बाद आप कॉपी रीसाइज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और इसको PNG फॉर्मेट में आपने डाउनलोड करना है, ठीक हो गया। डाउनलोड कैसे करना है आपको वो भी बता देता हूँ ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर दोस्तों देखिए ऊपर आपको बटन मिल जाता है डाउनलोड का, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक हो गया। डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं PNG ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होता है और नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, इस पर आपने क्लिक करना है क्योंकि हमें PNG फॉर्मेट में चाहिए और बैकग्राउंड भी हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड हुआ पड़ा है और मैं सीधा चलता हूँ वेबसाइट पर यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक हो गया। इस पर मैंने जैसे क्लिक किया, डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक फ़ाइल खुलेगी इस तरीके से, और यहाँ पे मैं फ़ाइल पे क्लिक कर दूँगा और उसके बाद ये मेरी पिक्चर पड़ी है यहाँ पर, मैंने एक सिंपल सी बनाई हुई है तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ, ठीक हो गया। एक मिनट फिर दोबारा करना पड़ेगा यहाँ पर, अभी देखें ये अपलोड हो रही है, ठीक हो गया। अपलोड होने के बाद ये कैसे दिखती है और आगे कैसे क्या क्या वर्क करना है आप दोस्तों को बताता हूँ, और लास्ट में आप दोस्तों को ये भी बताऊँगा कि यहाँ से विड्रॉ कैसे करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पिक्चर आ चुकी है, आप दोस्तों यहाँ से आप इसका डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाएँ, यहाँ पर आप इसका टाइटल डाल दें जैसे कि मैं डालूँगा, मतलब कुछ भी डाल दें आप, लोगो डाल देते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन की योर डिज़ाइन जो है आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर भी आप XYZ कुछ भी डाल दें, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको वैसे दिखा रहा हूं, आप कुछ भी डाल दीजिएगा अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन बना के, ठीक हो गया। यहां पर देखें आपने यहां पर टैग डालने हैं, तो यहां पर टैग डालने के लिए हम टी शर्ट लिखेंगे, तो यहां पर लिखते हैं टी, और उसके बाद ये देखें टेलीफोन आ गया, सारी चीजें आ गई, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे टी शर्ट, एस लिखेंगे, एच लिखेंगे, और ये देखें टी शर्ट डिज़ाइन आ गया। ये होते हैं कीवर्ड, ठीक हो गया, ये कीवर्ड भी आपने लाजमी से डालने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है डिज़ाइन के बारे में कुछ भी मतलब डाल देना है, जो भी आप टैग डालना चाहें यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम कुछ भी डाल देते हैं, वैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने जो भी डालने हैं डिज़ाइन डाल देने हैं, डिज़ाइन डाल देते हैं, ये देखें ये कुछ भी डॉग डाल दिया, और उसके बाद हॉट डाल देते हैं,
तो ये कुछ भी आप डाल सकते हैं, ये मसला नहीं है, ठीक हो गया। ऐसा करना है कि वो चीज़ डालनी है जो आपके सिस्टम से रिलेटेड हो, ठीक हो गया। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यस कर देना है, ठीक हो गया। आपने यस पे क्लिक कर देना है, उसके बाद क्या होगा कि आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने ये देखें जी शर्ट तैयार होकर आ चुकी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे जाके इसके कलर वगैरह भी देख सकते हैं, आप कौन से कलर में इसको रखना चाहते हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको कलर चेंज मिल जाएगा। और फ्रंट बैक दोनों पे रखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैक एंड फ्रंट पे इस तरह लगेगी, यहाँ पर आपको बताया जाएगा। यहाँ पे बैक एंड फ्रंट आप दोनों लगा सकते हैं और इसके कलर वगैरह भी आप यहाँ पे रेडी कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके के बाद दोस्तों आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे आप प्रोडक्ट कलर यहाँ पे लाइट डार्क और इस तरीके से नॉन और सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे देखें मग जो होते हैं, ये कप होते हैं, मोबाइल कवर होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके डिज़ाइन पे ये तमाम डिज़ाइन कुछ इस तरीके से फ़िट होगा। और ये तकिया भी है इस तरीके से, इस पर फिट होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक होगा। अब यहाँ पर आपने आई हैव पे क्लिक करना है, आई हैव पे क्लिक करने के बाद पब्लिश कर देना है। मेरा ये वैसे आरजी डिज़ाइन है, मतलब इसमें मैंने कोई प्रॉपर एसईओ नहीं की, आपने प्रॉपर इस पर एसईओ करें, जो भी टैग डालने हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन डालनी है अच्छे तरीके से डालनी है, क्योंकि अभी वीडियो बना रहा हूँ तो अच्छे तरीके से अगर मैं इसे सर्च करने बैठ गया तो टाइम लग जाएगा। पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, ये जो ग्रीन बटन है इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर कोई चीज़ रह गई है मेरे ख्याल में, देख लेते हैं क्या चीज़ रह गई है, हम इसे बल्कि ये लैंग्वेज है, हम इसे रहने देते हैं, देख लेते हैं क्या चीज़ रह गई है। तो यही चीज़ होती है, यहाँ पर बाकी कोई चीज़ नहीं रही, तो हमारा डिज़ाइन इस तरीके से अपलोड हो जाएगा, ठीक हो गया। अपलोड होने के बाद दोस्तों आप अपनी डिज़ाइन जाके देख सकते हैं, अपना जो भी डिज़ाइन आपने बनाया वो आप यहाँ से देख सकते हैं माई जो है आप स्टोर में जाके। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें जो है हम विड्रॉ कैसे करेंगे, अर्निंग कितनी होगी। तो दोस्तों उसके लिए आपने जो है यहाँ पर आ जाना है अकाउंट सेटिंग में। अकाउंट सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों देखें नेक्स्ट पेमेंट, ठीक है, दिस मंथ और ये टोटल अर्निंग, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें शो होंगी और माई सेल कितनी हुई, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आप सेल देख सकते हैं, मे का $1,000 भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह शेयर करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं एडिट स्टोर भी कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इससे पेमेंट की, तो पेमेंट के लिए दोस्तों आप यहाँ पर ईमेल वगैरह भी अपना सेट कर सकते हैं, किसका जी पेपाल का। लेकिन उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पेओनीर का, यहाँ पर ठीक है पेओनीर पे जाते हैं। यहाँ पर आपने पेओनीर वाला ईमेल आईडी डालनी है। पेओनीर अगर आपके पास नहीं है और आपने नहीं बनाया हुआ, आपको बनाना नहीं आता, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसको बआसानी देखकर आप अपना पेओनीर अकाउंट भी बना सकते हैं। आपने अपने पेओनीर अकाउंट की यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर सेव कर देना है, और जैसे ही मतलब $20 होंगे तो आपकी अमाउंट आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक हो गया। इनकी कोई डेट वगैरह भी फिक्स होगी, 48 घंटों में आपको ये अमाउंट भी भेज दी जाएगी, ऑटोमेटिक सेट होती है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपको वर्क मिलता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। मेका $1,000 पर चलते हैं, यहाँ पर क्या सीन है। अच्छा जी, यहाँ पर वो कहता है कि आप ऐसा करें कि इस लिंक को कॉपी करें, दोस्तों से शेयर करें, और जो भी दोस्त यहाँ पे आके आपके थ्रू अकाउंट बनाता है, अगर आप मेरे डाउनलाइन ज्वाइन हो जाती हैं तो हो सकता है अगर आपकी कुछ सेल हो जाएं, कुछ मेरी सेल हो जाएं, तो इस तरीके से हो सकता है मुझे $1,000 मिल जाए, हो सकता है आपको $1,000 मिल जाए। कमाल की साइट है, ठीक हो गया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं। मज़ीद किसी बात की समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। पेओनीर अकाउंट बनाना नहीं आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वीडियो देखें, वो भी मेरी अपनी वीडियो है, ठीक है। आपको बताया गया है कि किस तरह आप पेओनीर अकाउंट बना सकते हैं। आज के लिए इतना था, दुआ में याद रखिएगा, किसी बात की समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी पूरी मदद करने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।